अब मैं आपको एक केस दिखाया, मैं आपको दूसरा केस दिखा रहा हूँ। जी सर, अमीलाल जी हैं, फेफड़े का कैंसर था, और कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट चला ना, इनकी क्या हालात थी बिल्कुल। और आज क्या हालात है, वो खुद आप इनके मुंह से जाने। कल तो तब अगली साइड से आ जाओ, थोड़ा सा उसमें दिख जोगे और दूर दूर तक रखे हैं देखो भाई। और बड़ी अच्छी भी खबर है यार कि भाई देखो, दिन तक एक महीना का टाइम दे दे, वो आ जाए तो ठीक हो जाए, जीवन दान मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात हो है यार। हालांकि आयुर्वेद में भी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, बाद में पूछूंगी सर, तो पहले अंकल जी तरह बातचीत कर लेता हूँ। राम अंकल ठीक सो? बिल्कुल, के चीज के बीमारी से बताओ। अस्पताल है ना, वहाँ पर मैं जाँच करवाई, वहाँ से खून आ गया था, तो उन्होंने जांच की, सीटीस्कैन किया, वो बॉम्बे गई मेरी रिपोर्ट, तो कैंसर हो गया आपके, तो वो कैंसर होगा तो वो बोला आपके लगेगी किमो, 45,000 रुपये की जांच करी। हाँ, और किमो लगेगी नहीं, ये खून आपके रुकेंगे ही नहीं। फिर मैंने फिर वहाँ किमो तो लगवाई नहीं, और डायरेक्ट मैं यहाँ आया। कितने दिन चले, मतलब 20 दिन? 20 दिन रहे जांच। हाँ, जांच करी, बोले किमो किमो की क्या भाई, हाँ किमो लगेगा ना, बोले सेहत बना, दो अंडा खा, सेहत बना नहीं, आपके ये खून नहीं रुकेंगे। अच्छा, किमो आपके जरूर लगेगी। किमो तो मैंने नहीं लगवाई, किमो तो नहीं, क्योंकि आँखों से मैं लाचार हूँ, कभी आँख भी कभी ख़त्म हो जाए ना, तो मैंने नहीं लगवाई। मैं यहाँ पर 3.5 महीने के मैं ही मात्र बिल्कुल ठीक हो। 3.5 महीने तो दवाई ले सर। हाँ ना, मैं तो वैसे 6 महीने हो गए मेरे को, 6 महीने हो गए, पर 3.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मतलब 3.5 महीने। हाँ, वो खून खान सारी बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा कड़ा तो आप? मैं गांव ढेकवाड़, तहसील नीमराणा, जिला अलवर, राजस्थान से। राजस्थान तक? हाँ, बहुत बढ़िया बात है भाई। इमू बता, 10 में तो क्या नंबर दे वगैरह पाली में गुरुकुल में? हाँ, 10 में से 10 ही देंगे हम तो, बिल्कुल सही होएगा एकदम। 10 में से 10 ही देंगे। और यार जिंदगी बचा दी, मैं तो उनकी बहुत महिमा करूँ, गुणगांव से बहुत बहुत ही बढ़िया काम आयुर्वेद। हाँ बिल्कुल जी, इनके इनका यहाँ आने का जो एक कारण है वो खुद ही बताएंगे। इनके गांव में 7 कैंसर के रोगी थे, और जो कीमो लगा के इनके साथ के ही थे, उनकी क्या हालात हुई इनसे? वो सात तो मर लिए। अच्छा, मर लिए वो, माने नहीं उसने। एक तो एक जना कहते हैं कि कीमो लगी थी, मो यार एक बार दवाई मत ले, तो एक बार जाए के देख उठे मरीज जहाँ से पूछ। हाँ, और तो मेरी कहा कि मान ले, वो नहीं माने साहब, जो गया था वो 25 साल का लड़का, और वो सब खत्म हो चुका। 7 गुजर लिए? 3। हाँ, 7 गुजर लिए कैंसर से मारे मेरे गाँव में। मतलब फिर कुछ ना कुछ तो होगा कमी गांव में, कि भाई जिस चीज़ से इतने कैंसर के मरीज होने लग रहे हैं, तो सब पानी पीने की क्या है कि दिक्कत भी है? तो पानी की भी कोई दिक्कत ही से, पानी की भी सही आम, पानी की खराबी है, पानी खराबी से। तो फिलहाल आपको तो राम है ना? हाँ बिल्कुल, मैं आराम ना, मैं तो बिल्कुल था हूँ ठीक। मैं 4-4 किलोमीटर दूर सवेरे पहाड़ में भी दौड़ कर काऊँ, मैं पहाड़ में चढ़ के निमंत्रण घूमने जाऊँ उसमें, बिल्कुल सही से था हूँ, बढ़िया बिल्कुल। कुसुम जी, यहाँ पर आराम वालों को नहीं दिखाते हम, जब रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है उसके रिपोर्टें सामान्य हो जाती है, आराम का जो खेल है ये षड्यंत्र है। ये पूछना जरूरी है? हाँ हाँ, नहीं आपका पूछना जायज है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, बहुत सारे हॉस्पिटलों में और आयुर्वेदिक स्थानों पर जब रोगी को आराम आता है, हमारे यहाँ भी 15 दिन और महीने में अधिकतम रोगियों को आराम आ जाता है, और बाद में बहुत सारे रोगी खत्म भी हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो आजकल आयुर्वेद का भी आप कह तो रहे हो, शुरू में मेरा जो सवाल था नुए था कि भाई आयुर्वेद का कितना असर हुआ है, क्योंकि जगह जगह है तो, लेकिन असर किसी किसी का देखने में, देखिए वो आयुर्वेद नहीं रह रहा। सच्ची बात है सर, देखो आयुर्वेद तो वही है, लेकिन वो मानस नहीं रह रहे, वो मानस नहीं रह रहे, मानस की जो मति है उसके अंदर, ये जो काले सिर वाला, इसको पैसे का इतना भारी लालच हो गया, वो क्यों दिखाते हैं? वो इसीलिए दिखाते हैं कि एक महीने में किसी को आराम हो गया जी, ये इसको आराम हो गया, कुछ मीडिया वाला बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है, और रोगी बेचारा जाता है भोला भाला और वहाँ पे समाप्त हो जाता है। सारे रोगी मैं फिर कहता हूँ मेरे यहाँ भी ठीक नहीं होते, और मेरे को लगभग 6 महीने तक कितने रोगी ठीक हुए आप? जो लगातार 6 महीने औषधियां लेते हैं, हाँ, उसमें से 50 से 70% रोगी ठीक होते हैं, किसी की लाइफ लंबी हो जाती है, किसी को 6 महीने के दौरान भी खत्म हो जाता है, सभी प्रकार के रोगी होते हैं।